हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सियर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लास। हाउ आर यू बच्चों? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलो बेटा, आप सभी बहुत अच्छे हैं तो इसी के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और अपना टॉपिक लेते हैं अनुच्छेद। ठीक है, आज की हिंदी क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं अनुच्छेद। अब ये हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहे हैं बेटा, ये हम अब जितना सिलेबस हमारा हो चुका है, अब हम अपने सिलेबस को वहीं पर स्टॉप करते हैं। ठीक है, अब हम आगे कोई भी नया टॉपिक नहीं लेंगे। अब जितना हमारा हो चुका है, चाहे वो रीडर है चाहे वो ग्रामर है, उसका अब हम रिवीजन वर्क स्टार्ट करेंगे। तो आज की जो हमारी रिवीजन है, वो हम रिवीजन कहाँ से ले लेते हैं? अपने अनुच्छेद से स्टार्ट कर लेते हैं। हमने दो अनुच्छेद किए हैं, एक तो किया है वर्षा ऋतु का और दूसरा किया है प्रदूषण की समस्या। ये दो अनुच्छेद हमारे हो चुके हैं, तो इन दोनों के मैं आज रिवीजन आपको करा देती हूँ। अब जिन भी बच्चों का अगर चैप्टर कोई भी पेंडिंग है, कोई भी वर्क पेंडिंग है स्टार्टिंग से अब तक जितना हमारा हो चुका, तो जो भी आपके पास वीडियो आएंगी अपनी वीडियो से उसको क्लियर कर लेना। असाइनमेंट्स जो भी आएंगे वहां से क्लियर कर लेना। अब किसी बच्चे के बाद में ये इशू ना रहे कि हमारा ये वर्क पेंडिंग है। ओके, नाउ स्टार्ट बेटा। अपने अपने सभी बच्चे ग्रामर की बुक साथ में लेकर बैठेंगे। पेज नंबर 99 पर दोनों है हमारे, वर्षा ऋतु का भी है, प्रदूषण की समस्या भी है। तो इसकी दोहराई करेंगे हम बेटा। ठीक है, कौन कौन से अनुच्छेद है हमारे? पहला है हमारा, एक हमने किया था वर्षा ऋतु, ठीक है, और दूसरा था हमारा प्रदूषण की समस्या। ये दो टॉपिक हमारे थे अनुच्छेद में जो दो थे हमारे, इनका आज हम रिवीजन कर रहे हैं। देखो बेटा, वर्षा ऋतु का जैसा कि मैंने आपको बताया था, वर्षा ऋतु सब ऋतुओं की रानी कहलाती है। यह ऋतु बहुत सुहावनी होती है क्योंकि यह भीषण गर्मी से छुटकारा दिलाती है। यानी कि वर्षा ऋतु सभी के मन को भाती है, सभी को अच्छी लगती है क्योंकि इसके आने से क्या है, गर्मी दूर हो जाती है। किसान भाइयों के लिए तो यह नया जीवन लेकर आती है। किसान तो बारिश का बहुत इंतजार करते रहते हैं क्योंकि उनकी फसलों को पानी तभी मिलता है, उनकी फसलें अच्छी तभी होती है जबकि बारिश होती है। इस ऋतु में आसमान में काले काले बादल छाए रहते हैं जिसे देखकर हम सब आनंद मनाने लगते हैं। हर ओर पेड़ पौधे लहलाने लगते हैं, यानी कि जिसे देखकर इस आसमान में क्या होता है, काले काले बादल छाए रहते हैं, चारों तरफ अच्छी घटा छाई रहती है, मौसम बहुत सुहावना हो जाता है और जिसे देखकर हम सब बहुत आनंद करते मनाने लगते हैं, यानी कि बहुत खुश होते हैं। हर ओर पेड़ पौधे लहलाने लगते हैं और धूप हरी भरी हो जाती है, यानी कि चारों तरफ जो पेड़ पौधे हैं वो क्या है, लहलाने लग जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं, घास हरी भरी हो जाती है। जब मूसलाधार वर्षा होती है तब गलियां सड़कें और रास्ते पानी से भर जाते हैं। जब बारिश होती है, तेज मूसलाधार बारिश होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, गलियां नालियां रास्ते सब कुछ पानी से भर जाते हैं। जगह जगह नाले बहने लगते हैं, कभी कभी नदियों में बाढ़ आ जाती है। ऐसा कब होता है, जब बारिश तेज आती है। ठीक है, बाढ़ का पानी नदियों में से बाहर निकलकर खड़ी फसल को बर्बाद कर देता है। तो वर्षा ऋतु में जब क्या होता है, बारिश तेज होती है तो नदियों में जो है बाढ़ आ जाती है और बाढ़ का पानी बाहर निकलकर नदियों से और पूरी फसलों को जो है क्या करता है, बर्बाद कर देता है। परंतु ये पानी अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बहाकर मिट्टी लाकर खेतों को भी उपजाऊ बना देता है। लेकिन क्या करता है, जब वो नदियों में से पानी बाहर निकल कर आता है तो वो अपने साथ क्या करता है, उपजाऊ मिट्टी साथ में बहाकर लाता है। कभी भी देखना, तेज बहाव जब पानी का होगा तो उसके साथ जो है मिट्टी बह बह कर आएगी और वो मिट्टी क्या होती है, पूरी फसलों को क्या है जो है फसलों में आके और वो वहां पर मिट्टी जो है वो जम जाती है, पानी बह जाता है, नीचे जमीन में चला जाता है लेकिन मिट्टी वहीं पर जमी रह जाती है। ठीक है, वर्षा ऋतु में मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े बहुत बढ़ जाते हैं जो रोगों का कारण बन सकते हैं। तो वर्षा ऋतु जब आती है इसमें मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा आते हैं जो कि वर्षा जो है क्या करते हैं, रोगों का कारण बन जाते हैं। यानी कि वर्षा ऋतु का क्या है, कहीं हानिकारक है तो कहीं लाभदायक है। यानी किसी कहीं पर तो वो हमें
अच्छा जो है फसल को के लिए अच्छी होती है, अच्छे सब कुछ होती है, मौसम सही हो जाता है, गर्मी दूर कर देती है और खेतों में फसलों में पानी मिल जाता है। लेकिन उसके साथ साथ जो है पानी अगर जो है बारिश आती है, पानी कहीं कहीं खड़ा हो जाता है तो उससे क्या होता है, मक्खी मच्छर भी पैदा होते हैं, गंदगी बढ़ती है, उससे बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। सांप के बिल में पानी भर जाता है तब वे जान बचाने के लिए बाहर आते हैं, इनसे खतरा बढ़ जाता है। जब सांप बाहर आते तो सभी को पता है सांप से सभी को बहुत डर लगता है। आजकल कई जगह वर्षा के जल का छतों पर संग्रहण किया जाता है और इन्हें नालियों के सारे जमीन के अंदर एकत्रित किया जाता है। आजकल क्या करते हैं, कई जगह क्या करते हैं, वर्षा ऋतु जो वर्षा आती है तो उसका पानी जो छतों पर इकट्ठा कर लिया जाता है, संग्रहण मतलब इकट्ठा कर लिया जाता है और इन्हें नालियों के सारे जमीन के अंदर एकत्रित कर दिया जाता है। यह संचित जल उस समय बहुत उपयोगी होता है जब भीषण गर्मी में जल संकट होता है। कुल मिलाकर उचित मात्रा में वर्षा का होना हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये तो था हमारा वर्षा ऋतु का टॉपिक, ठीक है। दूसरा है हमारा प्रदूषण की समस्या, जो कि अभी हमने दो तीन दिन पहले ही किया है। देखो बेटा, प्रदूषण की समस्या, प्रदूषण यानी कि पोल्यूशन। पोल्यूशन जैसे कि पोल्यूशन जल प्रदूषण, पोल्यूशन भी हो सकता है, जल प्रदूषण भी हो सकता है, वायु प्रदूषण भी हो सकता है, ध्वनि प्रदूषण भी हो सकता है। प्रदूषण किसी भी तरह से हो सकता है, तेज शोर होता है, तेज आवाज होती है तो उससे चारों तरफ शोर ही शोर होता है तो क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होती है। जल में नदियों नालों में जब हम कूड़ा करकट बहा देते हैं उससे पानी गंदा हो जाता है, वो जल प्रदूषण होता है। वायु में नदियों नाल फैक्ट्रियों का कंपनियों का धुआं जाता है, चिमनियों का धुआं जाता है, ठीक है, और जो है ट्रैफिक इतना चलता है उनसे इतनी धुआं निकलकर वायु मिलती है जो कि हमारे सांस के साथ हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है, वो हमें बीमार कर देती है, तो उससे वायु प्रदूषण होता है। तो देखो प्रदूषण की समस्या, किसकी समस्या क्या है कि कैसे हो रहा है। प्रकृति में पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जब पर्यावरण के इस संतुलन में बदलाव आता है तब यह प्राणियों के लिए हानिकारक हो जाता है। किसी एक तत्व के निश्चित मात्रा से कम या अधिक होने से पर्यावरण असंतुलित हो जाता है, यानी कि किसी भी एक तत्व के किसी भी एक चीज के पर्यावरण में कम या ज्यादा होने से पर्यावरण क्या असंतुलित हो जाता है, अपने बैलेंस में नहीं रहता, ठीक है। पर्यावरण के तत्वों के इसी असंतुलन को प्रदूषण का नाम दिया जाता है। आधुनिक युग में मनुष्य के अधिकांश क्रियाकलाप खादों का प्रयोग आदि अधिकांश क्रियाकलाप प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। आधुनिक क्रियाकलाप यानी कि आधुनिक युग में, अब आजकल के युग में जो भी चीजें फैसिलिटीज आ रही हैं वो कुछ सुख सुविधा तो दे रही है लेकिन साथ साथ तो पर्यावरण प्रदूषण को भी, पर्यावरण में प्रदूषण भी फैला रही है, ठीक है। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण, यातायात के साधनों का प्रयोग, रासायनिक खादों आदि का प्रयोग पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। अब इसकी मेन समस्या क्या है कि जो यातायात ट्रैफिक इतना बढ़ रहा है उससे धुआं निकल रहा है, वो वायु में मिलता है। जगह जगह कारखाने फैक्ट्रियां खोली जा रही है, उनकी चिमनियों से धुआं निकल रहा है, वो प्रदूषित कर रहा है वातावरण को, ठीक है। और रासायनिक जो है अपने ही होते हैं खाद्य पदार्थ, खाद वगैरह जो होते हैं पेड़ पौधों में सब चीजों में डाले जाते हैं, केमिकल्स हर चीज में मिले होते हैं, इनसे भी पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो ये सब क्या है, इनकी मेन समस्या प्रदूषण की यही है, इन सब चीजों का बढ़ना, इनसे प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। कल कारखानों से निकला गंदा जल नदियों में मिलकर जल को प्रदूषित कर देता है। फैक्ट्रियों से कंपनियों से जो जल निकलता है वो क्या करता है, गंदा जल होता है, वहां केमिकल वाला होता है, वो नदियों नालों में बहा देते हैं और वहां केमिकल वाला जल उनमें मिल जाता है और उस जल को प्रदूषित कर देता है वो, ठीक है। मनुष्य द्वारा तालाबों नदियों नहरों में पालतू जानवरों को नहलाना कपड़े धोना आदि भी जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। आपने देखा होगा कि जब कहीं गांव में पानी वानी भरा होता है तो वहां पर तालाबों में नदियों में अपने पालतू गायों को भैंसों को उनको नहलाते रहते हैं ना, बहुत से लोग आपने देखा होगा, तो उससे क्या होता है वो सारा जल गंदा हो जाता है। वायु में प्रदूषित जल को पीने से कई प्रकार की बीमारियां होने का डर बना रहता है। वायु प्रदूषण सभी प्रकार के प्रदूषणों में सबसे अधिक हानिकारक है। वायु प्रदूषण जब वायु में जहरीला गैस, जहरीली धुआं ये सब मिलती है वो हमारे सांस के अंदर हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है और जिससे हमें अस्थमा की, कैंसर की, अनेक प्रकार की बीमारियों से हम ग्रस्त हो जाते हैं, ठीक है। यातायात वायु में जहरीली गैसों का घुलना वायु प्रदूषण का कारण है। यातायात के साधनों से पैदा होने वाले धुएं को और कल कारखानों की चिमनियों से
धुएं वायु को दूषित कर देते हैं। यातायात के साधनों से पैदा होने वाला धुआं और वायु चिमनियों से निकलने वाला धुआं जो वायु को प्रदूषित कर देता है। प्रदूषित वायु हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हम मनुष्य को प्रदूषण रोकने के लिए अपनी आदतों और रहन सहन में बदलाव कर लेना चाहिए। हमें अत्यधिक मात्रा में पेड़ लगाने चाहिए। पेट्रोल डीजल आदि से चलने वाले वाहनों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। कल कारखानों चिमनियों से निकलने वाले धुएं को रोकने की तकनीक विकसित करनी चाहिए। अंत में प्रदूषण की समस्या से मुक्ति पाने के लिए हमारे अंदर इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। यानी कि हमें अपने इस प्रदूषण की समस्या को बढ़ने की बजाय इसको रोकने के लिए हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। जो है पेड़ पौधों को कम से कम काटना चाहिए। नदियों नालों में गंदगी नहीं बहानी चाहिए। ठीक है, तेज आवाज में कभी ट्रैफिक या कोई भी म्यूजिक नहीं चलाना चाहिए जिससे ध्वनि प्रदूषण ना हो और वायु में जो है जहरीली गैसों को नहीं फैलाना चाहिए। इससे हम क्या है अपने प्रदूषण को वातावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। तो बेटा आज की जो हमारी वीडियो थी हमने ये दोनों पैराग्राफ उसमें रिवीजन किया है दोनों को दोहराया है। तो अपना एक बार आप फिर से पहले आपने कर लिया है फिर से इसको रिवाइज करोगे तो बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल इनको याद करने के बाद इनके जो कठिन शब्द होते हैं मैं ये नहीं कह रही कि पूरा आप दोबारा लिखो, याद करने के बाद इनके डिफिकल्ट वर्ड जो कठिन शब्द होते हैं इनको बार बार लिख कर देखो ताकि आपसे एग्जाम टाइम में कोई मिस्टेक ना हो। ओके बेटा, तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।